बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज पाकिस्तानी भाई बहनों, मैंने आज फैसला किया है कि जब तक मेरे लीडर को बेल नहीं दी जाएगी, मैं अपनी बेल के लिए भी नहीं। कल रात जो मैंने वीडियो देखी, जिस तरीके से एक 70 साल के मौचे ने पाकिस्तान के साथ सलूक किया जा रहा, और फिर उसकी वीडियो रिलीज़ करके हम पाकिस्तानियों के मुंह पे कालक भी मलने की कोशिश की जा रही है, हमें लख लानत भी दिखाई जा रही है कि जिस शख्स ने शौकत खानम हस्पताल बनाया, जिसने नमल यूनिवर्सिटी बनाई, जिसने इस मुल्क में 2 लुटेरों से छुटकारा दिला के तीसरी पार्टी को खड़ा किया, जिसने अल-कादर यूनिवर्सिटी बनाई, जिसने अपना सब कुछ पाकिस्तान के लिए वक्फ कर दिया, जिसने अपने बच्चे छोड़ दिए कि इस मुल्क की खिदमत कर सके, उस शख्स के साथ 70 साल की उम्र में ये सलूक, शर्म आनी चाहिए हमें। अरे जेल में डाला, कैंगरू कोर्ट के जरिए डाला, वो जज दिलावर साहब की जो हरकत हैं वो सबने देख ली। अरे कम से कम उसको आराम से रख तो सकते हो, कम से कम उसको एक कायदे का कमरा तो दे सकते हो, कम से कम उसको एक ऐसी जगह तो दे दो जिधर कीड़े मकौड़े ना आए, कम से कम उसको वैसी सहूलत तो दे दो जो कि एक आम पाकिस्तानी को मिलती है। क्या पाकिस्तानियों तुम्हें कोई गैरत नहीं रही? कोई तुम इतने एहसान फरामोश हो गए? मेरा ये फैसला है कि आज तो मैं अपनी बेल के लिए नहीं अप्लाई करूँगा, कल मैं जो करूँगा, मैं अपने लीडर के साथ खड़ा हूँ, क्या होगा, मर जाऊँगा, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होने वाला। एक बात समझ लो, जब भी जुल्म ज़्यादा बढ़ता है तो जुल्म के साथ नफरत बढ़ती है।